उत्तराखंड के हरेला पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी जनप्रतिनिधि इस पर्व को लेकर उत्साहित हैं। इसी कड़ी में आज जगह जगह पौधों का वितरण कर उत्तराखंड को हरा भरा करने का संदेश दिया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला के पत्रकारों को फलदार पौधों का वितरण कर सराहनीय पहल की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष भाव से समाज के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाता है और समाज को एक नया स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। नवभारत समाचार डोईवाला से आरती वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी गौरव सिंह जी और साथियों ने एक पहल की है जिसमें पत्रकारों को एक एक फलदार वृक्ष देने का एक प्रयास किया है और इसका उद्देश्य यही है कि क्योंकि हरेला का त्यौहार जो कांग्रेस के टाइम पर जिसको एक बड़े उत्सव के तौर पे मनाया गया था, आज सरकार भी इसको एक बड़े उत्सव पर मना रही है और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो पहल शुरू की गई थी उसको आगे तक बढ़ाते हैं जिससे कि हमारा ये जो पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हमारा देश भी सुरक्षित रहे, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और सबको ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि फलदार वृक्ष है। और जिस प्रकार हम लोग और आप लोग क्षेत्र में भी एक चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं तो ये फलदार वृक्ष ये दर्शाता है कि हम भी अपने क्षेत्र को हरा भरा रखकर अपने प्रदेशवासी और ग्रामवासियों के सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत ही सम्मानित जितने भी साथी हैं सबने मिल के हरेला की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में आज हमारे डोईवाला क्षेत्र के जितने हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं उनको एक वृक्ष, अपना छोटा फलदार पेड़ का पौधा उनको गिफ्ट किया है। इसी उम्मीद से कि जिस तरह से वो मेहनत इस क्षेत्र में करते हैं, ये जो फलदार पेड़ है इसी तरह से उसको भी बढ़ा करें और एक इस जो पृथ्वी है उसमें अपना योगदान करें उसकी ग्रीनरी बढ़ाने में।